वेलकम बैक टू सारा फूड एंड ब्लॉग। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेले की सब्जी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे लेकिन बहुत ही टेस्टी होगी। इस सब्जी को बनाने के बाद आपको बिल्कुल भी करेले की सब्जी से कोई शिकायत नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 500 ग्राम करेले, और ये बहुत अच्छे करेले हैं, बहुत फ्रेश हैं। और सबसे पहला काम करना है कि इसको हम छील लेंगे। ये मैंने धो के रखे हैं पहले से। अच्छा, अगर आपको पसंद है बगैर छीले हुए तो आप इसको बगैर छीले बना सकते हैं। अक्सर कुछ लोगों को पसंद होता है ना कि बगैर छीले हुए करेले बनाने, लेकिन मैं यहाँ पे छील रही हूँ, मुझे इसी तरह पसंद है। तो आप इसको स्क्रैपर से या फिर छुरी की हेल्प से अच्छी तरीके से इसको पील कर लीजिए। तो मैं आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ ताकि टाइम जो है वो कम से कम लगे। देखिए करेला हमारा छिल गया है। अब इसको हमें ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से किनारे को कट कर देना है। ये देखिए करेला हमारा छिल गया है। और सेम इसी तरीके से हम सारे करेले को छील के एक बार में रख लेंगे। इस सब्जी को हम बहुत ही आज सिंपल तरीके से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह इसमें नहीं डालेंगे लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। करेले हमारे सारे छील गए हैं। अब इसको हम गोलाई में काट लेते हैं। वैसे आप चाहें तो बीच में से कट लगा के इसको हाफ भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये जो गोल कटे हुए होते हैं ना देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। सब्जी बनने के बाद भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हम सभी को गोलाई में काट लेंगे। ये देखिए सब कट के तैयार हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, इसमें कोई भी हार्ड बीज नहीं है। और जो एक आध हार्ड बीज होंगे भी वो बाद में निकल जाएंगे। तो इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक लगा देते हैं। ये 1 टीस्पून करीब नमक मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और थोड़ी सी इस पर यहाँ पे हम हल्दी भी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को हम इसमें करेले में मिला के अच्छे तरीके से इसको ढक के, अगर आपके पास टाइम हो तो कम से कम आप इसे 15 मिनट के लिए ज़रूर रख दें। इससे क्या होता है ना, नमक और हल्दी जो है वो सारा कड़वापन जो करेले का है वो बाहर निकाल देते हैं। तो इसके ढक के हम रख देते हैं, हम बाकी काम कर लेते हैं, देख लेते हैं हमें और क्या करना है। तो ये है मेरे पास प्याज। ये 200 ग्राम प्याज है वजन में। अगर आपके पास बड़े साइज के प्याज हैं तो आप 2-3 ले लीजिए। ये 5-6 कलियां लहसुन की है, 4 सूखे लाल मिर्च हैं, जिसको कि हम इस तरह से इमाम दस्ते में डाल के इसको दरदरा सा हम कूट लेंगे। आप इसको मिक्सी के जार में भी डाल के एक बार घुमा लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से ये दरदरा सा कूट जाएगा। और प्याज को हम लंबाई में कट कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं हमें कट करना है, बस इस तरह हमें रफली प्याज को चॉप कर लेना है। आधा किलो करेले के लिए आप 200 से 250 ग्राम प्याज का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्याज अगर आप डालेंगे तो फिर काफ़ी मीठापन आ जाएगा करेले के अंदर, इतनी प्याज काफ़ी है। ये देखिए हमारी प्याज कट गई है और ये हमारा मिर्चा और लहसुन भी कूट के तैयार हो गया है। अब हम देख लेते हैं ये हमारे करेले ने कुछ पानी छोड़ा कि नहीं। इसको आप हाथ से दबाइए, ये देखिए कितना पानी इसमें से निकल रहा है, बस ये इसका कड़वा पानी है। इस तरह से आप दबा दबा के सभी जितने भी करेले हैं आप इसका पानी निकाल लीजिए। जितने अच्छे तरीके से आप पानी निकाल लेंगे आपके करेले में कड़वाहट उतनी ही कम रहेगी। अब वैसे करेले हैं थोड़े बहुत कड़वे तो होंगे ही, और थोड़ी सी कड़वाहट इसकी अच्छी भी लगती है खाने में, लेकिन आप इस तरह से इसको कर लीजिए। ये देखिए ये जितना पानी है इसको आप फेंक दीजिए और इसको एक बार आप वॉश कर लीजिए। 1 से 2 बार अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे ना, तो जो उसमें नमक बहुत ज़्यादा हमने लगाया हुआ था वो नमक वगैरह इसका निकल जाएगा। अब हमने पैन रख दिया है गैस पे, गैस है ऑन। 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। अब इसमें जो हमने प्याज कट करके रखी हुई थी वो प्याज हम इसमें डाल देंगे। सरसों के तेल में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है रिफाइंड ऑयल आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्याज को हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस इसको हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है ताकि जो उसका कच्चापन है प्याज का वो निकल जाए। बस इतना ही हमें इसको सॉफ्ट करना है, क्योंकि बाद में ये इसी के मॉइस्चर में हम करेले को गलाएंगे। प्याज में अपना पानी होता है ना काफ़ी, उसी पानी में करेले हमारे गलेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गई है, बस इतना ही सॉफ्ट करना था। अब जो लहसुन और मिर्चा हमारा कुटा हुआ रखा था वो हम डाल देंगे, हल्का सा चला देंगे तो लहसुन की जो कच्चापन वाली महक है ना वो निकल जाएगी। पर ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्का सा आप इसको डाल के मिक्स कर दीजिए, हो जाएगा इतने में। अब आपने जो करेले रखे हुए हैं धो के वो करेले इसमें आप ऐड कर दीजिए, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दीजिए मसाले के साथ। जो प्याज है और मिर्चा वगैरह है
मिक्स कर दीजिए। अब नमक तो हम इसका धो के पहले निकाल चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें नमकीनपन तो अभी होगा ही ना, क्योंकि काफी नमक था। तो नमक हम यहाँ इसमें हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने लिया है, और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून करीब है हल्दी, इसको डाल दे रहे हैं, क्योंकि हल्दी का भी हल्का सा रंग है इसके ऊपर और हल्के से नमकीन भी है ये करेले। इतना नमक और हल्दी इसमें काफी होगा, मिक्स कर देंगे। अब इसके खट्टेपन के लिए देखिए, ये मेरे पास कच्चे आम भी हैं, छोटी वाली आम, ये आप इसको भी छील के महीन महीन काट के डाल सकते हैं खट्टेपन के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे डालूंगी आम का अचार 1 फाँक, ये छोटी छोटी है, बीच में से कट की हुई है, तो इसको मैं 2 डाल दे रही हूँ। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपको इससे खट्टापन भी मिलेगा जो आपको सब्जी में चाहिए, और बहुत ही अच्छी मसाले की खुशबू भी आएगी। तो बस मैं इसको डालती हूँ, इतना काफी है। अब इसको हम लिड लगा के 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हमने खोला, अब इसको एक बार हम मिक्स कर देंगे। करेले हमारे काफी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं 2 मिनट में, फ्लेम बिल्कुल लो थी, प्याज के मॉइस्चर में और ऑयल में ही हल्के हल्के गल रहे थे। अब यहाँ हम डालेंगे ये, यह है 1 टीस्पून, यह है अचार का मसाला, जो हम अचार बनाते हैं ना उसके लिए मसाला हम कूट के रखते हैं दरदरा सा, बस ये वही मसाला है। और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड करूंगी सब्जी मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, अगर आपके पास है तो आप जरूर डालिए। सब्जी मसाला हो या मैगी मसाला मैजिक जो आता है वो आपके पास हो तो वो आप ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास इस तरह का पाउडर बना हुआ नहीं है, तो आप जब अचार की 1 फांक डाल रहे थे ना, थोड़ा सा मसाला भी उसका साथ में ले लीजिएगा और वो डाल दीजिएगा। या फिर आप थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी मंगरेल, एक चुटकी अजवाइन, धनिया और मिर्चा, ये सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करके भून के रख लीजिए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा सब्जियों में ये, कई सब्जी ऐसी हैं जिनमें आप इसको डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं। 2 मिनट के लिए फिर से मैंने इसको बंद कर दिया था, और इसको फिर से देखिए चला दिया है मैंने, फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसलिए इसमें चिपक नहीं रही है सब्जी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सब्जी चिपक रही है, तो आप हल्का सा पानी का छीटा भी डाल सकते हैं, या हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। करेले बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे तरीके से गल गए हैं, बस हमें इतने ही चाहिए थे। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। इस सब्जी को आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ आप सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार जरूर ये सब्जी ट्राई करिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। और मुझे एक लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।